बैक टू माई चैनल। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे बिल्कुल मेरी तरह। तो आप सबों को मेरी ओर से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज से नवरात्रि स्टार्ट हो चुका है और आज है पहला पूजा, और आज से तो मेरे घर के बगल में ही, नज़दीक में ही दुर्गा माँ बैठती हैं। तो मेरे घर में आजकल दिन भर, अब शोर कल से वो माता रानी का गाना और जो गीत होता है वो बज रहा है। अभी सुबह सुबह नहीं बजा क्योंकि पूजा उजा कर रहे होंगे सभी कोई, तो इस वजह से। और मुझको बहुत ज़्यादा डर लगता है कि गाना वाना आगे तो कॉपीराइट क्लेम हो जाएगा मेरे चैनल पे, और ये बहुत सारा हो चुका है। उस टाइम आइडिया नहीं था, न्यू थे तो गलती हो गया। तो सभी को मेरे घर में पूजा कर लिया, अब मैं चलती हूँ पूजा करने के लिए। जल्दी से फटाक से तैयार होते हैं। पूजा हेतु मैं हो चुकी हूँ तैयार, ये रहा मेरा आज का फैशन, और जल्दी से पूजा कर लेते हैं। तो ये रहा मेरा पूजा स्थान। तो प्लेट व्लेट अरेंज कर लेते हैं और पाठ थोड़ा सा करना रहता है वो कर लेते हैं जल्दी से फटाक से। A few moments later. अपना पार्ट कंप्लीट कर लिया है और मेरे पैर झुंझुना चुके हैं बैठे बैठे। तो अब चलते हैं आगे की कार्य करने के लिए। तो आज का मेरा पूजा हो चुका है और यहाँ बन रहा है सुबह का नाश्ता। क्या लाने मम्मी? रोटी और सब्जी भुजिया, तीन प्रकार के यहाँ पे रखे हुए हैं, भिंडी आलू और किया। तो आज से हमारे यहाँ लहसुन प्याज बंद है, और आज से सादा खाना उच्च विचार यही होगा। आज तो बहुत खुश होगी तुम देवी जी, इसी बात पे 10 रुपए दे दो ना। 10 रुपए के बाद पे चल, मेरे पैर में झुनझुना लग गया। आलू बैंगन, यार आलू बैंगन कौन बनाता है। और अभी मेरे फ्रिज में कुछ भी नहीं है, नथिंग। तो थोड़ा देर अब करते हैं रेस्ट, उसके बाद खाना पीना नाश्ता करेंगे। और मेरा भाई फोन में लगा हुआ, अधनग्न व्यक्ति। मैंने वस्त्र चेंज कर लिए हैं, और एक इम्पोर्टेंट सूचना, अगर आपके भी घर में मेरे भाई जैसा विल्ला भाई पड़ा रहता है उसको घर से निकाल दीजिए। ये दिन भर पड़ा रहता है और मोबाइल चलाता रहता है, पता नहीं क्या काम रहता है इसको। बेला एक नंबर का 10th है इसका, लेकिन पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं है। और मैं अब चलाऊंगी फोन, और आजकल मैंने एक न्यू गेम डाउनलोड किया और दिन भर उसको खेलती रहती हूँ, उस वजह से मुझे फांसी की सजा मेरी दीदी देगी। चुप, अधनग्न व्यक्ति को देख लीजिए। मैं आज बनाया आलू और बैंगन की सब्जी, ये खाने से अच्छा है कि एक पैकेट मैगी लाते हैं वो बना के जल्दी से खाते हैं। चलते हैं मैगी लाने के लिए क्योंकि भूख लग चुका है, 11 बज चुके हैं। चलो गाइस चले, मैगी ले आया हूँ और इसको जल्दी से बनाते हैं। सादा सूपी मैगी, क्योंकि प्याज लहसुन डाल नहीं सकते और आलू बैंगन खा नहीं सकते। मैगी बन के तैयार हो चुका है और मैं मैगी और रोटी खाती हूँ। सच बता रही हूँ, मैं मैगी और रोटी मेरे घर में सबको ही खाता है। जब मेरे यहाँ सादा भुजिया बनता है ना, तो मेरी मम्मी मैगी और रोटी बना करके हम लोग को देती है, और ये हमको कॉम्बिनेशन अच्छा भी लगता है। ये रहा गरम गरम रोटियाँ, आज सुबह का मेरा नाश्ता, और मेरे घर में सबको अभी यही खाया है, मैगी रोटी और आलू का सब्जी, आलू बैंगन। तो जल्दी जल्दी नाश्ता फिनिश करते हैं गाइस। तो नाश्ता करने के बाद मैं कब सो गई मुझे पता भी नहीं चला। तो सो करके अभी फ़िलहाल मैं उठी हूँ, तो अभी जाना है थोड़ा मार्केट क्योंकि लैपटॉप को थोड़ा ठीक करवाना है, और क्योंकि मेरा भाई उसमें पता नहीं क्या कर दिया है। और थोड़ा मार्केट जाएंगे क्योंकि मेरे फ़ोन का जो ग्लास है वो मैंने बहुत बार गिरा पड़ा के तोड़ दिया, तो उसको चेंज करेंगे।
मैंने उसको उखाड़ दिया, मतलब उसको लगाएंगे क्योंकि मैं ऐसे गिरते रहता है फ़ोन। तो जल्दी से करते हैं चेंज, बाहर जाना है। और मैं ऐसे घर की बच्ची हूँ कि जिसको घर में कम रहना पसंद है और बाहर घूमना ज़्यादा। तो लेट्स गेट रेडी। रेडी थी तब तक पार्सल आ गया। दिखा पार्सल। अरे देखा ना, ओपन बॉक्स दिखा रहे हम खोले। तो ये आया है फिर से एक वॉच बोट का, अमेजोन से मैंने मंगवाया, वो वाला फ्लिपकार्ट से मंगाया था, ये वाला अमेजोन से। देखते क्या है, कैसा आया है। फ्लिपकार्ट में डब्बा आता है, इसमें डब्बा नहीं आता। मैं फाइनली रेडी हूँ क्योंकि पानी पीते टाइम ब्लैक वाले टी शर्ट में मैंने पूरा पानी गिरा दिया, तो चेंज कर लिया मैंने। और अब चलते हैं क्योंकि लेट हो रहा है गाइस, फटाक से चलते हैं। अनुशासन के तहत तुम हॉटस्पॉट ऑन कर दो। तो देखते ही देखते हम स्टेशन पहुंच गए। गाना सुनता सुनता मनाली मनाली जाना है, किसी को तो आ सकते हैं यहाँ पे। कार्य हो वो बाद में करेंगे स्टेशन, मतलब भागलपुर आने के बाद। पहले पेट पूजा फिर काम पूजा। तो पहले चिल करके खाते हैं और चिल। यहाँ से आगे कार्य हेतु बाहर। सोच के आए थे कि घूमेंगे लेकिन घूमना पड़ रहा है ये एटीएम के चक्कर में। भागलपुर में हर सड़क पे एक एटीएम खोल दो। एटीएम से बड़ा बड़ा ट्रांजेक्शन निकालते हैं 100 रुपए का। लोगों का बहुत बहुत आभार यहाँ पे SBI का एटीएम बनाने के लिए। तुम और डरा दो हमको। हम आए हम लोग पार्लर जावेद हबीब। आज नहीं जाएंगे, आज दूसरे वाले जाएंगे। बगल में नया खुला है, गिरा दो, सब गिरा दो यहीं पे। काटी देखते हैं यहाँ का। गाइस को इग्नोर करे, चलते हैं हम बैठ जाए। गाइस महंगा फेसियल करवा करके मैडम निकल चुकी है। दिखा नहीं सकते हमको, तो समझ नहीं आ रहा क्या चेंजेस है। समझने के लिए हमको 1 घंटा पढ़ाई करना पड़ेगा इसके शकल का। खैर कोई बात नहीं, पैसे जाए आग लगाए अपने पैसे को, अब ये जाने। अब चलते हैं आगे, हम थोड़ा सा खाली काम है, थोड़ा सा वो करके घर चलते हैं। हाँ संडे को सबको छुट्टी मना रहे हैं और हम लोग आए मोबाइल दुकान। और मैंने और मेरी गर्लफ्रेंड ने दोनों ने सेम फोन कवर लिया है। मैं अपना दिखा नहीं सकती क्योंकि वो फोटो लगाएंगे दोनों सेम। पूरा मोबाइल दुकान जाकर के लूट लिए, लूट गए हैं आज। बहुत खोजने के बाद फाइनली ये पसंद आया। सोना जड़ा हुआ कहाँ जड़ा हुआ है। तो हम और साथी दोनों सेम लिए हैं। यार लव ईच अदर। एक बार सच बताओ तो थक गए हैं और फ्रूटी सेम पिंच हम लोग कर रहे हैं। फ्रूटी आज मार्केट में इतना भीड़ है, सबको अपना घर छोड़ के आया हुआ है मार्केट में। Meanwhile, हो चुका है, अब चलते हैं घर की ओर। भीड़ को करते हैं बाय बाय। ये जो अंकल हमें यहाँ पे जमुना बेच रहे हैं, लोगों को ऑटो मिल चुका है, टोटो मिली टोटो, और लोग चल रहे हैं घर की ओर। वो लोग प्लान में कुछ चेंज है, घर में जा रहे हैं।
गाइस ये सब नहीं बता सकते। घर वाला आज ढेर सारी शॉपिंग की है, सामान दिख नहीं रहा है क्या लिए, लेकिन पैसा बहुत वेस्ट हुआ है आज पार्लर में, फोन दुकान पे, किचन सेट्स पे। लुट चुके हैं आज हम लोग चल रहे हैं घर की ओर, लेकिन उससे पहले एक काम है हम लोग को, वो करने के बाद। बाय।